जबलपुर में दो बच्चियों के साथ जाते की खबर मिली है। पहली घटना पनागर की है। यहाँ एक सरकारी स्कूल में पांचवी की बच्ची के साथ रेप की शिकायत पुलिस ने दर्ज की है। दूसरा मामला गोरा बाजार का है। यहाँ झाड़ियों में एक बच्ची बुरी तरह से घायल पड़ी मिली। बच्ची को हिंदू वाली संगठनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस को खबर दी है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद और उन्नाव की वारदातों से लोगों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि जबलपुर में दो मासूम बच्चियों के साथ हुई बर्बरता ने फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पहली घटना पनागर थाना अंतर्गत एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की है। यहाँ पुलिस को शिकायत मिली है कि पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ स्कूल के टॉयलेट में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप का आरोप एक किशोर पर लगा है। बच्ची ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आरोपी स्कूल यूनिफॉर्म में था। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी स्कूल का ही है या कोई और छात्र था या बाहरी कोई छात्र था। वारदात 5 दिसंबर की बताई जा रही है। उसके बाद बच्ची डरी सहमी अपनी कक्षा में बैठकर रोती रही। बाद में उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। बच्ची गरीब मध्य वर्गीय परिवार से है। बदनामी के डर से परिवार पहले तो चुप रहा, लेकिन बाद में हिम्मत करके वो पनागर पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। इस पूरी घटना में महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी स्कूल में ये वारदात हुई है। स्कूल में ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं, ना ही सुरक्षा गार्ड तैनात है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी आम शिकायत है। ऐसे में बच्चियों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? दूसरी घटना गोरा बाजार क्षेत्र की है। यहाँ 6 साल की मासूम बच्ची सड़क किनारे बने नाले के पास झाड़ियों में पड़ी मिली। बच्ची बुरी तरह से जख्मी थी। उसके पूरे शरीर पर मारपीट और चोट के निशान है। जख्मों से खून बह रहा था। इसकी भनक जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को लगी, वो तत्काल वहां पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। घायल बच्ची को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि जिस समय यह घटना हुई उस समय उसके माता पिता घर पर नहीं थे। क्षेत्र में रहने वाले एक विक्षिप्त किशोर ने उसके साथ मारपीट की थी। परिवार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की आशंका भी जताई है। बच्ची का मेडिकल अस्पताल में चेकअप करवाया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बच्ची के साथ मारपीट हुई है या रेप हुआ है। इन दोनों ही घटनाओं के बाद जबलपुर की पुलिस और जिला प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। एसपी अमित सिंह ने दोनों मामलों की गहराई से जांच करने और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।